हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं 5.4 के इंट्रोडक्शन। इसमें बेटा हमने पढ़ना है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शंस। ठीक है, आपने पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में पढ़ा है, रैशनल फंक्शन के बारे में पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है बेटा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास आप राइट करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद बेस, विद पॉजिटिव बेस, पॉजिटिव बेस बी, जो आपके पास क्या होती है, ग्रेटर देन वन होती है, इज द फंक्शन। ओके, हमारे पास जैसे ये वाई फंक्शन दिया गया है, वाई को आप वाई फंक्शन को आप वाई भी लिख सकते हैं, एफ एक्स भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू फंक्शन आपको दिया गया है बी की पावर एक्स। ठीक है, आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो बी है, बी क्या है बेटा, इसका बेस है, बी क्या है बेस है, और एक्स क्या है इसकी पावर है। ठीक है बेटा, ओके। और जो बी है वो क्या होना चाहिए आपके पास, ग्रेटर देन वन होना चाहिए। ओके, तो इसी को आप क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो फंक्शन हमें पॉजिटिव बेस के साथ दिया गया है उसे आप क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, चलिए एग्जांपल हमारे पास है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर e की पावर x दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे आपने b की पावर x लिया, जो बेस आपके पास क्या है, ग्रेटर देन वन है, और वो क्या है, पॉजिटिव है साथ में। ओके, तो उसको आप क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बट यहाँ पे अगर y जो है e की पावर x है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको बोलेंगे आप नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर बेस हमारे पास 10 है, ठीक है, कोई आपके पास क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ओके, उसकी पावर x है, इसको आप बोलेंगे कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमारे पास इसकी डोमेन जो है वो क्या आती है, वो देखिए, डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, हमारे पास ऑल रियल नंबर के बजाय इज रियल नंबर क्या आ जाएगा, रियल नंबर्स। ओके बेटा, इसकी जो क्या है, डोमेन है वो क्या आती है, ऑल रियल नंबर्स। और दूसरा पॉइंट आपके पास ये है, जो इसकी रेंज है, रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की क्या आएगी, पॉजिटिव रियल नंबर्स, क्या आती है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो आप लिखेंगे आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके बेटा, क्लियर है। चलिए अब हमें अगर इनका डेरिवेटिव निकालना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, अब आपको क्वेश्चन जो है किस फॉर्म में आ सकते हैं, e की पावर x आ गया, ठीक है, तो आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा वो डेरिवेटिव आपको, e की पावर x, e की पावर x का डेरिवेटिव हमेशा e की पावर x ही रहेगा। आप चाहे इसको दो डबल डेरिवेटिव करें, चाहे आप इसको 3 times डेरिवेटिव करें, तो ये आपके पास क्या रहेगा, e की पावर x ही रहेगा। ओके बेटा, नेक्स्ट अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है e की पावर tan x, ओके, तो आप क्या लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, e की पावर पहले x लेंगे आप डेरिवेटिव में, ये x इसका क्या है, इसका ये जो फंक्शन है e की पावर, पावर जो है वो क्या है आपके पास, tan x है, तो मतलब e की पावर tan x जो है ये पावर है इसकी, तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, e की पावर tan x। ठीक है, बट बेटा आपने ऊपर जो x दिया है इसका, उसका चेन रूल लगेगा, तो उसके लिए क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ tan x। ओके, tan x का डेरिवेटिव आएगा, तो वो आ जाएगा आपके पास e की पावर tan x, और tan x का डेरिवेटिव क्या है, sec square x। ओके, तो ये आ जाएगा sec square x और e की पावर
एन एस। ओके अब यहाँ पे हमारे पास ये हमने आगे कर लिया क्योंकि मल्टीप्लाई में है इसलिए ये इस तरह से आप इसको राइट करेंगे। अब x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो वन होता है। ओके तो ये आपके पास आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, इस फॉर्म से आप लिखेंगे। ओके नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है लॉगरिदम फंक्शन। लॉगरिदम फंक्शन कैसे आया बेटा, लॉगरिदम फंक्शन जो है वो इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके नेक्स्ट हमारे पास है लॉगरिदम फंक्शन। अब लॉगरिदम फंक्शन क्या है हमारे पास, इनवर्स इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसको आप क्या बोलते हैं, लॉगरिदम फंक्शन। ओके बेटा जैसे हमारे पास दिया गया है लॉग लॉग लॉगरिदम ऑफ ए टू बेस बी। अगर हमें ऐसे दिया गया है लॉगरिदम ऑफ ए टू बेस बी, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे आप लॉग ए बेस बी। ओके इस तरह से, सॉरी लॉग ये बी बेस आ जाएगा, लॉग ए विद बेस बी आ गया आपके पास। ओके लेट हमारे पास एक एग्जांपल है, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। ओके अगर हमने इसको लॉग में राइट करना तो कैसे लिखेंगे, अब आप लिखेंगे इसको लॉग, यहाँ पे हमारा बेस क्या है 2, बेस 2 और 8 इज इक्वल टू 3। लॉग की फॉर्म में आपको इसको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, लॉग 2 ये बेस आ गया इधर, ओके 8 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट अगर हमारे पास 10 की पावर 4 इज इक्वल टू कितना है, ये 10,000। ठीक है इसको लॉग की फॉर्म में आपने लिखना है तो क्या लिखेंगे, लॉग 10,000 इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, लॉग की फॉर्म। ओके बेटा चलिए अब हमारे पास लॉग की जो डोमेन है वो क्या है, ठीक है ये आ गया आपके पास लॉग। ओके शॉर्ट फॉर्म है ये लॉगरिदम की, लॉगरिदम की शॉर्ट फॉर्म आपके पास क्या है, लॉग। ओके अब आपके पास डोमेन ऑफ लॉग क्या है, तो डोमेन देखिए, डोमेन आप लिखेंगे डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन, ठीक है इज अ रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर जो है वो लॉग की डोमेन है। ठीक है बेटा नेक्स्ट हमारे पास रेंज, रेंज ऑफ लॉग फंक्शन। अब रेंज ऑफ लॉग फंक्शन क्या है, अ रियल नंबर, मतलब सारे के सारे पॉजिटिव नेगेटिव ऑल रियल नंबर्स। ठीक है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अ रेंज ऑफ लॉग फंक्शन। ओके बेटा नेक्स्ट हमारे पास है कुछ एग्जांपल्स, अगर हमारे पास y दिया गया है log x तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dy upon dx is equal to डेरिवेटिव ऑफ log x, आप लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ log x तो वो आ जाएगा 1/x। ओके बेटा इन केस हमें दिया गया है एग्जांपल में log, अंदर दिया गया है आपको cos x, ठीक है तो कैसे लेंगे इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट आप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है तो हमारे पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ log x, log x क्या चल रहा है यहाँ पे, cos x चल रहा है इसका। ठीक है तो ये आ जाएगा 1/cos x। ओके जो x था आपके पास वो क्या आ जाएगा, cos x है, cos x आ जाएगा। ओके अगेन हमें डेरिवेटिव x का लेना होता है, डेरिवेटिव x का क्या होता है, 1 होता है,
इसलिए यहाँ आंसर आपका क्या आ गया, 1/s। तो यहाँ पे आप लेंगे डेरिवेटिव ऑफ cos x, cos x तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा 1/cos x। डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, माइनस साइन एक्स। ओके, तो अगेन आप डेरिवेटिव ऑफ x, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा माइनस टेन x, क्योंकि साइन में कौन cos है तो वो क्या बन जाता है tan, इसलिए आ गया वो आपके पास tan x। ओके बेटा, तो हमारे पास कुछ log के फॉर्मूले है वो आप नोट करेंगे। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, log के कुछ फॉर्मूले हैं बेटा वो आप नोट करेंगे। चलिए हमारे पास है log, पहले तो log बेस e x है, तो इसको आप कैसे भी नोट कर सकते हैं, log x भी आप इसको राइट कर सकते हैं। ओके, log जिसका बेस e है आपके पास वो क्या है, ये नेचुरल log है, इसको आप log x लिखेंगे। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा log e a की पावर b, ठीक है, a की पावर b है तो b आगे आ जाएगा आपके पास, log a लिख लेंगे, ठीक है, विद बेस e। तो हमारे पास log e है आपके पास a और b, a और b आपके पास मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो क्या आ जाएगा log e a प्लस log e b। तो हमारे पास अगर जब a b दोनों नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको प्लस कर सकते हैं आप इसको। ओके बेटा, फिर हमारे पास आ जाएगा log e a की पावर b a b, और थर्ड वन इज डिवाइड वाला a अपॉन b, तो इसको आप क्या करेंगे बेटा, log a माइनस log b। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस में आ जाता है। ओके बेटा, क्लियर है। अब ये e जो बेस है आपका, ये बेस जो है इस तरह से आप log x लिख सकते हैं। ओके, तो आपको जरूरी नहीं है सबके साथ e आपको शो करना है, वो log a log b आपके पास, ये आपके पास करेक्ट है, ठीक है बेटा। ये आपके पास फॉर्मूले आ गए log के, और कुछ खास फॉर्मूला और कोई है देखें, बस यही आपके पास फॉर्मूले हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड हमारे एक्सरसाइज 5.4 है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।